नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूली शिक्षा में त्रिभाषा यानी कि तीन भाषाओं का फॉर्मूला चलेगा। इसमें संस्कृत के साथ तीन अन्य भारतीय भाषाओं का विकल्प होगा। इलेक्टिव में ही विदेशी भाषा चुनने की भी आजादी होगी। पहली बार भारतीय भाषाओं को तवज्जो देने का काम किया गया है। आपको बता दें कि इस काम में तकनीक की मदद ली जाएगी। इसके लिए गूगल ऑनलाइन भारतीय भाषाओं का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी की जा सकेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी से लेकर पांचवी कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा से जोड़ा जाएगा। मातृभाषा में पढ़ाई का मकसद बच्चों को उनके प्रदेश की संस्कृति, खान पान, रहन सहन और परंपराओं से जोड़ना है। इसे आने वाली पीढ़ी को भारत और भारतीयता से जोड़ा जा सकेगा। सरकार की योजना है कि स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाए। इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी शामिल है। प्लेटफॉर्म पर भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन कोर्स भी होंगे। आमतौर पर स्कूली शिक्षा में मार्क्स बढ़ाने के लिए छात्र संस्कृत को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। हालांकि संस्कृत की जानकारी महज परीक्षा तक ही सीमित रहती है। संस्कृत सिर्फ अंक बढ़ाने का विकल्प है, लेकिन अब संस्कृत पढ़ाने पर सरकार आर्थिक सहायता देगी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय भाषाओं को नया जीवन देने में गूगल साझेदारी निभाएगा। हाल ही में गूगल ने भारत के साथ भाषाओं और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने पर काम करने की घोषणा की है। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। कई भाषाओं में अनुवाद के सॉफ्टवेयर भी तैयार किए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।